हमारे पेशेंट्स मुझसे अक्सर ये बात पूछते हैं, पर्टिकुलरली फिस्टुला इनानो के संदर्भ में, कि जो हमको ये प्रॉब्लम है भगंदर की, सपोज पेशेंट को लेटी हुई पोजीशन में उसको कहीं बाहर कोई एक फुंसी या फोड़ा जैसे बन जाता है किसी जगह पर, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारे लिए एक क्लिनिशियन के लिए ये बाहर की ओपनिंग उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि ये अंदर एनल कैनाल से जुड़ा होता है। दूसरे शब्दों में यदि हम ये कहें कि पहले जो एप्सिस बनती है वो एनल कैनाल के अंदर बनती है और वो बाहर आकर के रप्चर हो जाती है और बाहर यहाँ पे एक ओपनिंग बन जाती है। तो पेशेंट हमसे अक्सर ये पूछते हैं कि भाई हमको प्रॉब्लम तो यहाँ पे बाहर की तरफ है और आप अननेसेसरी इतना सारा प्रोसीजर अंदर की ओर क्यों कर रहे हैं, वहाँ पे तो हमको कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, वहाँ पे तो हमको कोई समस्या नहीं है, हमको जो फुंसी बनती है वो बाहर के एरिया में बनती है, तो इसको बाहर से केवल ठीक तो नहीं किया जा सकता, आप अंदर जो है वो थ्रेड क्यों डालते हैं एनल कैनाल में। तो ऐसी कंडीशन में उनको बताने के लिए मैं यहाँ पे एक कैटेगरी के लिए ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जो इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है वो बाहर की ओर होती है और इसका जो बेसिकली बनने का जो तरीका है, अंदर की तरफ एक इन्फेक्शन डेवलप होता है जिसको कि हम क्रिप्टो ग्लैंडुलर इन्फेक्शन कहते हैं। यहाँ पर कुछ एनल ग्लैंड्स होती हैं, इन एनल ग्लैंड्स में ये इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन होने से पस बनती है और पस ये ट्रेवल करके बाहर के एरिया में बाहर की तरफ आ जाती है और बाहर आकर के ये एक एप्सिस कैविटी बनाती है और एप्सिस धीरे धीरे फूट जाती है, तो यहाँ पे एक ओपनिंग या बाहर की तरफ एक छेद बन जाता है। तो ऑब्वियसली यदि हम इस पूरे एरिया को ट्रीट करना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो तरीका है हम एक क्षार सूत्र को बाहर वाली ओपनिंग से डाल करके और अंदर वाली ओपनिंग से बाहर निकाल देते हैं, मतलब कि हमको ये पूरा एरिया ठीक करना है। नॉर्मली जो सर्जरी में ये पूरा एरिया काट के निकाल दिया जाता है, यदि यहाँ पे कोई थोड़ा सा भी पोर्शन बच गया तो ये दोबारा से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि जो ये इसकी इंटरनल ओपनिंग यानी कि जो अंदर एनल कैनाल में है और एक्सटर्नल ओपनिंग जो कि बाहर दिखाई देती है, इन दोनों के बीच में एक क्लियर कट एक पथ होता है, एक रास्ता होता है इस पूरे रास्ते को ख़त्म करना, और प्लस ये जो इन्फेक्शन का सोर्स है, जो केंद्र है, उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग इस एरिया को क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद यहाँ पे एक चार सूत्र ऐसे डालते हैं और उसको बांध देते हैं, तो इस थ्रेड पे जो मेडिसिन लगी होती है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे अंदर जाती है और यहाँ पे उपस्थित इन्फेक्शन को ख़त्म कर देती है। ये इन्फेक्शन जब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है तभी फिस्टुला ठीक होता है, इसीलिए जो चार सूत्र थेरेपी है उसमें लंबा समय लगता है और ये रोगी के लिए अच्छा है, क्योंकि जितना दिन तक थ्रेड यहाँ पे रहेगा उतना ही इफेक्टिवली ये इन्फेक्शन यहाँ पे ख़त्म होगा। और जब हर बार हम ये थ्रेड जो है चेंज करते हैं तो ये थ्रेड धीरे धीरे यहाँ से काटता हुआ चला जाता है दोनों तरीके से, इधर से भी कटिंग करेगा, इधर से भी कटिंग करेगा, अगली बार यहाँ तक आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ तक आ जाएगा, धीरे 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 ये छोटा होता हुआ धरा का पूरा बाहर निकल आता है और इस प्रकार से ये जो पूरा एरिया है यानी कि एक्सटर्नल ओपनिंग से एक्सटर्नल से इंटरनल ओपनिंग का जितना एरिया है ये सारा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और चूंकि ये बहुत धीरे धीरे काटता है, बहुत धीरे धीरे बढ़िया हीलिंग होती है, इसलिए यहाँ पे कोई बड़ा घाव नहीं बनेगा और साथ ही साथ घाव भरने के बाद बहुत छोटा निशान यहाँ पे रहता है। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि बेशक ओपनिंग बाहर की तरफ हो लेकिन हमको अंदर का जो एरिया है वो भी इफेक्टिवली ट्रीट करना पड़ता है, तभी जा करके ये फिस्टुला ठीक होगा। तो आशा है आप समझ गए होंगे केवल फिस्टुला में बाहर ही ट्रीटमेंट नहीं होता है बल्कि अंदर इंटरनल एनल कैनाल में भी ट्रीटमेंट करना आवश्यक होता है। थैंक यू वेरी मच।